नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त फूल कुमारी और आज मैं आपको भारतवर्ष के एक ऐसे पर्व के बारे में बताने जा रही हूं जिसको हम आजकल थोड़ा भूल से गए हैं। नमस्कार फूल कुमारी दीदी, भारत तो पर्वों का ही देश है, पर आप किस पर्व की बात कर रही हैं जिसे हम भूल रहे हैं? इस पर्व का नाम है नव संवत्सर यानी नया साल। पर नया साल तो हम सब मनाते हैं दीदी, 1 जनवरी को, कोई नहीं भूला। यही तो आप चूक गए, मैं भारतीय नव संवत्सर की बात कर रही हूँ। मतलब 2 अलग अलग न्यू ईयर होते हैं क्या दीदी? हाँ, 1 जनवरी को मनाए जाने वाला न्यू ईयर सोलर कैलेंडर यानी सूर्य की स्थिति पर आधारित होता है, जबकि भारत के सभी वार त्योहार लूनर कैलेंडर यानी चंद्रमा की स्थिति के आधार पर बने कैलेंडर के हिसाब से निर्धारित किए गए हैं। इस कैलेंडर को हम पांचांग या हिंदू कैलेंडर भी कहते हैं। ओ अच्छा, तो भारतीय नए साल का दिन कब आता है दीदी? ये दिन चैत्र माह की प्रतिपदा यानी पहली तारीख के दिन मनाया जाता है और चैत्र भारतीय पांचांग यानी लूनर कैलेंडर का पहला महीना होता है, जो आमतौर पर सोलर कैलेंडर के मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ता है। क्या तुम्हें पता है यह त्योहार कुछ राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में इस दिन को गुड़ी पड़वा और दक्षिण भारत में उगादी कहा जाता है। ओ, इन त्योहारों के नाम तो मैंने सुने हैं दीदी। हाँ, ये सभी तो नव वर्ष की ही खुशी में मनाए जाते हैं। दीदी, मुझे नव संवत्सर से जुड़ी बाकी परंपराओं के बारे में भी जानना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस दिन तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सवेरे जल्दी जल्दी उठाकर स्नान कर नए कपड़े पहनने को कहा होगा। अरे हाँ, और फिर हम सब ने घर में स्थित देवताओं के दर्शन करे थे। मेरे दादा दादी ने मुझे अपने माता पिता, उनके और बाकी बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करने को भी कहा था। बिल्कुल ठीक, यह भी एक प्रथा है इस दिन की। इसके साथ साथ घर को साफ सुथरा करके रंगोली बनानी चाहिए, घर के सभी लोगों को तिलक लगाना चाहिए और हमें मोबाइल से सबको फोन करके नव वर्ष के बधाई संदेश भी देना चाहिए, है ना दीदी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो जैसे हम 1 जनवरी को नए साल के पक्ष में कुछ संकल्प रखते हैं हमारी आदतों को बदलने का, वैसे ही इस दिन पर भी करना चाहिए। जैसे इस पूरे वर्ष में प्रतिदिन किसी न किसी की कुछ न कुछ मदद करूंगा, चाहे कितनी भी छोटी। मैं किसी को अपशब्द नहीं कहूंगा, गाली नहीं दूंगा, इस तरह का कोई भी संकल्प लेना चाहिए और उस संकल्प का जी भर के पालन भी करना चाहिए। दीदी, मैंने तो अपने संकल्पों का कभी इतना पालन नहीं किया, इसलिए आजकल तो मैंने संकल्प लेना ही छोड़ दिया था। पर आपके ये कहने से अब मुझे थोड़ी प्रेरणा मिल रही है, मैं इस परंपरा को फिर से चालू करूंगा। मैं संकल्प लूंगा कि मैं नियमित रूप से फूल कुमारी दीदी के साप्ताहिक ज्ञान सुनूंगा और उनको जीवन में अपनाऊंगा भी। अच्छा संकल्प है। और क्या तुम्हें पता है नव संवत्सर पर एक और प्रथा है, पूजा कर प्रसाद में मिश्री के साथ नीम की कोमल पत्तियों की गोलियां बनाकर दी जाती हैं, ताकि सभी इस बदलते हुए मौसम में स्वस्थ रहें और खाने में मीठे व नमकीन चावल, हलवा, पूड़ी, मिष्ठान आदि पकवान बनाए जाते हैं। वाह, सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। इसी दिन से हमारा राम उत्सव भी प्रारंभ होता है। प्रभु राम की मूर्ति स्थापित कर हम 9 दिन तक उनके सामने भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा, प्रवचन, प्रभात फेरी और नृत्य आदि के कार्यक्रम करते हैं, जो राम नवमी तक चलते हैं। ओ, राम नवमी जो आती है 9वें दिन पर। हाँ, और इसी दिन पर खत्म होता है पूरा नव संवत्सर का त्योहार 9 दिन के बाद, इसलिए इन्हें चैत्र नवरात्रि भी कहते हैं। ओ, तुम्हें पता है इस दिन और भी कई प्रमुख घटनाएं हो चुकी हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का सृजन कार्य आरंभ हुआ था। फिर कई युगों बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक भी इसी दिन किया गया था। इसी दिन माँ दुर्गा की उपासना कर
नवरात्र के व्रत को भी प्रारंभ करते हैं और युगाब्ध या युधिष्ठर संवत्सर, साथ ही सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत्सर, इनका प्रारंभ भी इसी दिन से होता है। इसी दिन पर बुद्ध कैलेंडर यानी शालीवाहक शक संवत भी प्रारंभ होता है। और हाँ, सिख परंपरा के द्वितीय गुरु अंग देव जी का जन्म भी इसी दिन आता है और महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन की गई थी। इतनी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं और एक ही दिन पर पड़ती हैं, नव संवत्सर के दिन, मुझे तो मालूम ही नहीं था। सचमुच बड़ा खास है ये दिन तो एक भारतीय के लिए। बिल्कुल ठीक, इस त्योहार को हमें मिलजुल कर खुशी से मनाना चाहिए। सारी चिंताएं दूर कर पूरे 9 दिन नहीं तो कम से कम वह एक दिन तो हमें खुशी खुशी परिवार के साथ बिताना चाहिए। हाँ दीदी, बिल्कुल, अब से यही होगा हमारा नववर्ष महोत्सव का दिन। इसके बारे में हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद आपको भी। और अब आ गया मेरे जाने का समय, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। चलती हूँ, अलविदा अलविदा।